दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे फारबिसगंज से भाया कटिहार होकर के न्यू जलपाईगुड़ी तक रेल लाइन के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे अररिया से जब ठाकुरगंज रेल लाइन बन जाएगा तब जो है फारबिसगंज से भाया अररिया ठाकुरगंज होकर के न्यू जलपाईगुड़ी रेल लाइन की कितनी दूरी होगी। तो इन दोनों रूट में कंपेयर करा जाएगा और ये देखेंगे कौन सा रेलवे लाइन कितना लंबा है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दोनों रूट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं फारबिसगंज स्टेशन बिहार में आता है और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है NFR जिसका डिवीज़न कटिहार है। तो पहले जो अभी रेल लाइन है भाया पूर्णिया कटिहार होकर के, पहले वह आपको मैप पर दिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। उसके बाद नया कंस्ट्रक्शन रेल लाइन जो है उस पर ले चलेंगे, यानी दूसरा जो वैकल्पिक रूट बनेगा आने वाले समय में। तो फारबिसगंज से जो रूट निकल रहा है पहले वह जानते हैं, उसके बाद आपको ले के चलेंगे पूर्णिया कटिहार होते न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं फारबिसगंज से जो बतनाहा की तरफ रेल लाइन जा रहा है ये जो है जोगबनी जंक्शन की तरफ जा रहा है, जो भारत का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद जो है आगे नेपाल आ जाता है और फारबिसगंज से जो इधर रेलवे लाइन जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं पट्टी, ये जा रहा है नरपतगंज होते ललितग्राम होते सरायगढ़ की तरफ, और आगे सरायगढ़ से एक चला जाता है सुपौल होते सहरसा, और एक लाइन जो है जो आसनपुर कुपहा होते निर्मली झंझारपुर को जोड़ता है। तो चलिए आपको ले कर चलते हैं अब न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ। जैसा कि फारबिसगंज से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अररिया कोट है और यहाँ तक जो है दोनों रूट सेम आएगा। अररिया से जो ये रेलवे लाइन एक लाल वाला देख रहे जो इधर गया है, यही रेलवे लाइन जो है न्यू जलपाईगुड़ी की दूरी को कम करेगा अभी जो मौजूदा समय में जो रेल लाइन है उसके मुकाबले। तो वो जो है पहले ये वाला जानिए, उसके बाद ये नया रेल लाइन जो बनेगा इस पर बात करते हैं। तो अररिया कोट से जैसे ही आगे बढ़ेंगे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये जलालगढ़ है। जलालगढ़ से जो अब नया रेल लाइन बन रहा है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर वह वाला वीडियो देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लें तब आपको समझ में आएगा। तो ये जलालगढ़ से आगे ये पूर्णिया है, पूर्णिया जंक्शन से जो ये पूर्णिया कोट की तरफ रेल लाइन जा रहा है या बनमनखी दौरम मधेपुरा होते सहरसा जंक्शन की तरफ जा रहा है, और ये जो रेलवे लाइन अभी चल रहे हैं फारबिसगंज से जो अभी आए हैं ये डीजल सिंगल लाइन है, और ये पूर्णिया कोट वाला भी जो है डीजल सिंगल लाइन है, लेकिन दौरम मधेपुरा से सहरसा इलेक्ट्रीफाइड है रूट। पूर्णिया से आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कटिहार आएगा, तो कटिहार के पास यहाँ पर देखिए कटिहार से जो ये रूट आ रहा है जैसा कि आप लोग जानते हैं एक चला गया है बरौनी के तरफ, एक चला गया है मनिहारी के तरफ, और एक चला गया है कुमेतपुर के तरफ, एक चला गया मुकरिया, एक जिधर से हम लोग आ रहे हैं पूर्णिया की तरफ। तो हम लोग को चलना है नया टोला होते हुए क्योंकि हम लोग को जाना है न्यू जलपाईगुड़ी की तक। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये रेलवे लाइन जो है मुकरिया मुकरिया जंक्शन है, क्योंकि मुकरिया जंक्शन से जो इधर रेलवे लाइन जा रहा है ये जा रहा है मालदा टाउन की तरफ। तो यहाँ पर बरसोई है, बरसोई से राधिकापुर जैसा कि आप लोग जानते हैं धालखोला, यहाँ से भी एक नया कंस्ट्रक्शन रेल लाइन बनेगा आने वाले समय में। और ये किशनगंज है, किशनगंज से जो रेलवे लाइन निकलेगा इसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लें तो आपको समझ में आएगा। ये अलवाबारी रोड है, जंक्शन है इस रूट का, और यहाँ से ये ठाकुरगंज वाला रेल लाइन है, और इन दोनों रूट में ये अंतर है कि ये ठाकुरगंज वाला जो है सिंगल डीजल लाइन है, जिस पर अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे ये डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। तो छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये रंगा पानी के बाद न्यू जलपाईगुड़ी। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। दोस्तों जिधर से अभी हम लोग आए हैं फारबिसगंज से पूर्णिया कटिहार बारसोई किशनगंज होते हुए, तो ये पूरा सेलेक्शन जो है 277 किलोमीटर लंबा रेल लाइन है,
और इसमें जो है टोटल 53 स्टेशन मिलेगा इस बीच में न्यू जलपाईगुड़ी से फारबिसगंज के बीच में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस से चलते हैं दूसरे रूट के तरफ, तब आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों रूट में कितना अंतर है। दोस्तों फाइनली हम लोग फारबिसगंज जंक्शन आ गए हैं। अब चलते हैं दूसरा रूट, जो नया कंस्ट्रक्शन रेल लाइन जो अररिया से बनेगा, जो ठाकुरगंज होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ेगा। तो पहले वह इसका देखिए रूट, उसके बाद आप किलोमीटर बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फारबिसगंज से ढोलबाजा होते हुए और ये अररिया जो है अभी रेलवे स्टेशन है, लेकिन आने वाले समय में इसको जंक्शन बन जाएगा, बना दिया जाएगा। तो फारबिसगंज से अररिया तक जो है सेम रूट है और यहीं से जो है नया रेल लाइन जो निकल रहा है, और यही रेल लाइन बन जाने से जो दूरी है मौजूदा समय में जो अभी पूर्णिया जंक्शन कटिहार इधर से अभी ले के गए थे बरसोई किशनगंज, वो रूट हो से ये बहुत शॉर्ट रूट है। जैसे कि ये रूट जो पूर्णिया वाला होकर के है पूर्णिया कटिहार, इसका दूरी जो है 277 किलोमीटर है और ये रेल लाइन बन जाने से लगभग 108 किलोमीटर जो है दूरी कम हो जाएगी। यानी ये रूट बन जाने से 169 किलोमीटर मात्र दूरी रहेगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कहाँ 277 और कहाँ 170, कितना अंतर हो जाता है दोनों रूट में। अगर ये रूट बन जाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि टाइम तो बचेगा ही पब्लिक का, और उसके साथ जो है रेलवे का भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 108 किलोमीटर शॉर्ट रूट होगा ये। तो अररिया से जो है इसमें दूरी जो हम बता देते हैं तब आपको समझ में आएगा। फारबिसगंज से अररिया कोट की जो दूरी है वो लगभग 24 किलोमीटर है, और इस बीच में जो ये नया कंस्ट्रक्शन रेल लाइन देख रहे हैं, यही रेल लाइन को बनना है ठाकुरगंज से अररिया के बीच, और इधर ठाकुरगंज से आगे तो बना हुआ क्योंकि गलगलिया वाला रेल लाइन यही है। ठाकुरगंज से जो न्यू जलपाईगुड़ी की दूरी है वो लगभग 61 किलोमीटर है, तो इधर काम नहीं है। जो भी है ये बीच में जो है ठाकुरगंज से और अररिया के बीच में ही होना है, क्योंकि ठाकुरगंज से जो न्यू जलपाईगुड़ी रेल लाइन है वो बना हुआ है। तो इसमें बस खाली आकर के ये नया कंस्ट्रक्शन लाइन ठाकुरगंज से ही बनेगा, जो ठाकुरगंज को आने वाले समय में जंक्शन बनाया जाएगा, तब उसके बाद जो है ट्रेन आसानी से गलगलिया होते हुए ट्रेन जो है वो आपको न्यू जलपाईगुड़ी तक जा सकेगी। और क्योंकि अभी मौजूदा समय में जो है न्यू जलपाईगुड़ी से रंगापानी होते हुए गलगलिया होते हुए जो ट्रेन निकलती है वह ठाकुरगंज से वो चली आती है अलवाबाड़ी रोड, उसके बाद गुंजरिया किशनगंज होते हुए वो आगे बढ़ती है। अगर ये रेलवे लाइन जब इसमें जुड़ जाएगा नया कंस्ट्रक्शन रेल लाइन, तो ठाकुरगंज तो ऑटोमेटिक वो बड़ा स्टेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी ठाकुरगंज है, फिर आने वाले समय में जो है इसको जंक्शन के रूप में देखा जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार लाइन के बारे में आपको बता दे रहे हैं। ये पहला रूट जो हम बताए थे, जो आपको फारबिसगंज से अररिया पूर्णिया कटिहार किशनगंज न्यू जलपाईगुड़ी, तो वो रूट के बारे में बता देते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से जो है रंगापानी, ये पूरा डबल लाइन सिलेक्शन है, और ये आपको अलवाबाड़ी, ये सब पूरा डबल लाइन है। किशनगंज ये भी डबल लाइन है पूरा, बरसोई डबल लाइन, ये मुकरिया तक जो है डबल लाइन है, डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। यानी मुकरिया से जो न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन है डबल लाइन है, इलेक्ट्रीफाइड है। मुकरिया से जो ये रेलवे लाइन है जो कटिहार जोड़ता है, ये आपको सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है। ये जो है सिलेक्शन मुकरिया से कटिहार सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, और इधर कटिहार से आगे जब आप पूर्णिया की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो है सिंगल डीजल लाइन है। ये पूरा सिलेक्शन जो है पूर्णिया होते हुए जलालगढ़ अररिया कोट ये फारबिसगंज, ये पूरा जो है सिंगल डीजल लाइन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वही दूसरा रूट से जो आने वाले समय में जब बन जाएगा, तो इस पर हो सकता है इस पर भी इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रूट इसलिए है, आसाम से जो दिल्ली की दूरी है वह जो है घट जाएगी लगभग 200 किलोमीटर,
ये पूरा सिलेक्शन जो है। और अगर वह वाला वीडियो देखना है फारबिसगंज से गोरखपुर कैसे रेलवे लाइन जाएगा भाया सरायगढ़ झंझारपुर होते हुए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं, तब आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी से फारबिसगंज होते हुए सरायगढ़ झंझारपुर दरभंगा बाईपास और साथ ही नरकटियागंज होते हुए कैसे रेलवे लाइन गोरखपुर जाता है, तो आपको पूरा तंत्र समझ में आ जाएगा। तब आपको लेके चलते हैं ठाकुरगंज की तरफ। तो ये भी जो है ठाकुरगंज की तरफ भी सिंगल डीजल लाइन है, गलगलिया वाला सिलेक्शन। और इधर न्यू जलपाईगुड़ी से तो जानते हैं आगे चला गया है गुवाहाटी की तरफ, और इधर सिलीगुड़ी होते हुए चला गया है अलीपुरद्वार की तरफ, और आगे जा कर के दोनों रेलवे लाइन गुवाहाटी की तरफ ही जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर।